शुक्रवार को मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पहुंचकर उन्हें सबसे पहले परिसर में पौधारोपण और उसके बाद राजकीय पुस्तकालय का निरीक्षण करते देखा गया। परिसर में स्थित जर्जर बिल्डिंग की स्थिति को देखकर कमिश्नर ने जल्दी सुधार करने के निर्देश दिए। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के लिए उत्तर प्रदेश यूपी में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। इसके क्रम में शुक्रवार को मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने शिक्षक भवन पहुंचकर वहां जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अरुण कुमार दुबे, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक बुद्धप्रिय सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार के कार्यालय का निरीक्षण भी किया, सभी व्यवस्थाओं को जानने का प्रयास किया। सर्वप्रथम मंडलायुक्त ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में बने पार्क में पहुंचकर वृक्षारोपण किया और सभी को पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए अपील भी की। इस दौरान मंडलायुक्त ने यह जानने का प्रयास किया कि शिक्षक भवन कितने समय पहले बना था और क्या स्थिति है। जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में पहुंचकर मंडलायुक्त ने पूरे जनपद में किए जा रहे शैक्षिक कार्यों की जानकारी ली। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे की निगाह में सभी माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मंडलायुक्त ने एडी बेसिक के कार्यालय का भी निरीक्षण किया और साथ ही कहा और विस्तार होने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भवन जर्जर हालत में है उनकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाए, जिससे यहाँ पर एक बड़ा भवन तैयार हो सके, जिसमें अभी शिक्षा के अधिकारियों का ऑफिस उसमें बन सके। मंडलायुक्त ने निरीक्षण करने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई राजकीय पुस्तकालय का निरीक्षण किया, शिक्षा विभाग को कुछ सुझाव दिए। इस दौरान जानकारी भी दी कि काफी समय पहले इसकी स्थिति बहुत खराब थी, अब प्रशासन के दिशा निर्देश पर इसकी स्थिति में सुधार हुआ है। बच्चों के बैठने की व्यवस्था के साथ साथ बिजली, पानी, वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे की सुविधाएं यहां पर मुहैया कराई गई हैं। छात्र छात्राओं ने इस दौरान मंडलायुक्त से अपील की कि पुस्तकालय का समय सुबह 8 से शाम 6 बजे तक कर दिया जाए, जिससे उन्हें यहां पर और समय मिल सके। मंडलायुक्त ने समस्या सुनने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अरुण कुमार दुबे को निर्देश दिए कि समय सुबह 8 से शाम 6 बजे तक कर दिया जाए, यहां पर अब बदलाव की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मुरादाबाद के शिक्षक भवन का निरीक्षण किया है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में किस स्तर पर काम हो रहे हैं उनकी जानकारी भी यहां ली गई है। साथ ही कुछ कमियां भी उनको देखने को मिली हैं, इसे सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में भी वृक्षारोपण करने के निर्देश मिले हैं। हम सबका मकसद यही है कि जो कमियां हैं उनका सुधारा जाए और हम एक अच्छा वातावरण पूरे मंडल में उपलब्ध करा सकें। क्या नया सुझाव दिया? देखिए, स्थिति पुस्तकालयों की हर जगह हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुरादाबाद में पहले बहुत अच्छे अच्छे पुस्तकालय थे, ब्रजरत्न पुस्तकालय आज भी आपका एक एग्जाम्पल है। पुस्तकालय बच्चों के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था, भले ही हम इंटरनेट की दुनिया हमारे सामने हो, बहुत सारे नॉलेज ऑनलाइन अवेलेबल हो, लेकिन फोकस स्टडी केवल बुक से की जा सकती है और इसीलिए हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे मंडल में पुस्तकालयों को, पुस्तकें पढ़ने को, ताकि बच्चे ज़्यादा फोकस्ड रहें। जब भी वो मोबाइल फ़ोन से पढ़ते हैं या उससे स्टडी करते हैं तो एक तो नॉलेज के बारे में सर्टेनिटी नहीं होती, ऑथेंटिक नॉलेज हो जरूरी नहीं है, दूसरी बात है कि फोकस उनका छूटता जाता है। अभिभावकों से और सारे विद्यार्थियों से हम लगातार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वापस वो बुक्स की तरफ आएँ, टेक्स्ट बुक का कोई विकल्प नहीं, डिटेल स्टडी का कोई विकल्प नहीं, और इसके लिए जो जरूरी एटमॉस्फेयर है, जो जरूरी सुविधाएँ हैं वो मुहैया कराने को हम तैयार हैं। गांव-गांव लाइब्रेरी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में जो यहाँ पर लाइब्रेरी है, अभी इसकी स्थिति और बेहतर करने की आवश्यकता है और हम बेहतर करेंगे। जो टाइमिंग बच्चों को सूट करेगा उस टाइमिंग के हिसाब से पुस्तकालय चलाएंगे, पर हमारी कोशिश जो बेसिक है वो ये है कि बच्चों तक पुस्तकें पहुंचे, पुस्तकों तक बच्चे पहुंचे और ज़्यादातर बच्चे पुस्तकों की तरफ उन्मुख हों, जिससे बहुत सारी चीज़ें उनकी सॉल्व हों, उनकी मेधा बढ़े, उनकी जो कल्पना शक्ति है वो बेहतर हो, यही हमारा प्रयास है। सर, शिक्षक भवन का भी निरीक्षण किया सर आपने, कुछ देखा है? शिक्षक भवन में बहुत सारी चीज़ें अभी करने को, हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसमें हम जो ज़रूरी उपाय होगा करेंगे शासन से, उसके बारे में शासन को भी लिखा जाएगा और कोशिश होगी कि इस कैंपस को और बेहतर हम कर सकें। सर, वृक्षारोपण अभियान चल रहा है, पौधे भी लगाएं, क्या संदेश देना चाहेंगे? वृक्षारोपण देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 30 करोड़ का लक्ष्य रखा पूरे प्रदेश के लिए और ये कहा कि इससे ज़्यादा हम जितने ज़्यादा पेड़ लगा सके, जहाँ जहाँ पेड़ों की पेड़ों के लिए जगह है उन सारी जगहों पर उनकी जगह के अनुसार पेड़ लगा सकें। आप देख रहे हैं जो मौसम में परिवर्तन है वो बड़ी हाहाकारी है हम लोगों के लिए, फसलें खराब हो रही हैं, हमारे दिनचर्या बाधित हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमारे लिए ज़रूरी हैं और वही एक पूरा इस समय वही प्रक्रिया चल रही है। मैं लोगों से भी आग्रह करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति अब एक पेड़ ज़रूर लगाए। अगर आप अंदाज़ा करिए कि मुरादाबाद की पॉपुलेशन लगभग 35 लाख है,
उससे ऊपर ही होगी। अगर सभी लोग एक एक पेड़ भी केवल लगाएं तो हम केवल अकेले मुरादाबाद में 35 लाख पेड़ लगा सकते हैं।